नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं पाविका फ्लिट से इस चैनल को एक बार फिर से। तो आज मैं लेकर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन फ्रॉम द क्लास 10th एनसीईआरटी क्लास 10th, और जो हमारी एक्सरसाइज है दिस इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, और जो हमारी एक्सरसाइज है दिस इज 8.4, और आज का जो क्वेश्चन है स्पेशली क्वेश्चन नंबर 1 है। आप देख सकते हैं इसी एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चन नंबर 5 के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अगर आप चाहें तो मेरे पिछली वीडियोस देख सकते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज, आपसे बहुत बढ़िया सी रिक्वेस्ट क्या आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर करना भूलिएगा, तक मैं ऐसी एजुकेशन वीडियोस आपके लिए हमेशा हर पल लेके आता हूं। वैसे तो आप जानते हैं कि ये जो चैनल है हमारा इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग दिस वन मैकेनिक्स के वीडियोस हैं, देन फ्लूइड मैकेनिक्स के वीडियोस भी हैं इसमें, फ्लूइड मशीनरी के भी हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि हमने इंजीनियरिंग के वीडियोस बंद कर दिए हैं, ये मीनवाइल हम 10th के भी, यानी कि काफी मुझे कमेंट्स आते थे कि सर 10th क्लास के भी वीडियोस लेके आइए स्पेशली मैथमेटिक्स के। इसी के साथ मैं आया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि बोलने का क्या मतलब है इसका। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 8.4, चैप्टर नंबर 8, क्लास 10th। एक्सप्लेन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए कॉमा कॉस ए एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ये बोल रहा है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कौन से, साइन ए, कॉस ए और टैन ए, इनको बताइए किसके टर्म्स में, कॉट ए के टर्म्स में। यानी कि अगर आप, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सपोज साइन ए से। ठीक है, साइन ए से स्टार्ट करेंगे। अब हम इसको इस तरह से कन्वर्ट करेंगे कि आंसर जब लास्ट में आएगा वो कॉट ए के रिस्पेक्ट में आना चाहिए, यानी कि आंसर में सिर्फ कॉट ए दिखना चाहिए आपको, कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं चाहिए। सबसे पहले तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब ये जो चैप्टर है इसकी क्या मालूम होनी चाहिए, आइडेंटिटीज मालूम होनी चाहिए कि कौन कौन सी आइडेंटिटीज है। देखिए मैं एक एक करके बताता हूं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये लिखी रहेगी यहां पर, ये हम लिख देते हैं। दूसरी कौन सी हमारी, दिस इज 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ओके, तीसरी हमारी कौन सी है, दिस इज 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। लेट मी चेक, या ओके। अब इसके अलावा कुछ फॉर्मुलेज है जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, दिस इज साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है भाई, 1 अपॉन कोसेक थीटा। क्लियर हो गया, ये कुछ फॉर्मुलेज हैं जो आपको याद रखने हैं। देन आप ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो कहने का मतलब साफ साफ साइन थीटा का अपोजिट कौन है, कोसेक थीटा, या फिर कोसेक थीटा को यहाँ पे लिख लीजिए, साइन थीटा को नीचे लिख लीजिए। ओके, देन हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा को लिख सकते हैं इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, समझ गए, या फिर सेक थीटा को समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, साइन और कोसेक अपोजिट उल्टे हैं, तो हम लिख सकते हैं साइन इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। वैसे ही हम सेक थीटा के बारे में भी लिख सकते हैं, सेक थीटा इज 1 अपॉन कॉस थीटा। तो ये क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे को, हमें इन फॉर्मुलेज की जरूरत पड़ती है, और आपको ये याद होने चाहिए। अब एक बच गया हमारा टैन थीटा, तो यहां पर लिख देता हूं टैन थीटा। टैन थीटा किसका अपोजिट होता है, कॉट थीटा का अपोजिट होता है। ठीक है, अभी लिख चुका हूं। ओके, कॉट थीटा किसका अपोजिट होता है भाई, कॉट थीटा टैन थीटा का होता है। कॉट थीटा को यहां पे रखिए, टैन थीटा को नीचे लेके आ जाइए, हो गया, ये भी क्लियर। ओ भी, अभी एक और चीज है, टैन थीटा का एक और फॉर्मूला होता है, यहां पे लिखता हूं, दिस इज टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। वैसे ही है जैसे हमने टैन थीटा का लिखा, वैसे कॉट थीटा भी लिखा जा सकता है। यहां पे लिखता हूं दिस इज कॉट थीटा, यहां पे लिखता हूं कॉट थीटा कैन बी रिटन एज योर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये सारे फॉर्मुलेज हैं जो हमने लिखे हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं, हम कन्वर्ट करेंगे साइन ए को किस टर्म्स में, दिस इज, देखिए एक एक चीज करके हम देखते हैं कि कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। पहले लूंगा साइन ए, फिलहाल यहां पे थीटा चल रहा था, जो एंगल था थीटा, यहां पर है हमारा एंगल जो है वो दैट इज ए, तो दिस इज साइन ए। क्लियर हो गया, लेट मी चेक एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। या तो अब हम साइन ए को कन्वर्ट करेंगे किसमें, कॉट ए में। वैसे ही हम कॉस ए को भी कन्वर्ट करेंगे, टैन ए को भी कन्वर्ट करेंगे। ओके, अब आप देखिए सबसे पहले साइन ए किसका, आपको देखिए आंसर में हमें कॉट ए लाना है, आंसर इस हिसाब से लेके आना कि कॉट ए आए। ठीक है, या फिर कॉट स्क्वायर ए आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन ए किसका उल्टा होता है भाई, यहां पे दिया हुआ है साइन ए, यानी कि साइन थीटा किसका, कोसेक थीटा का रिलेशन होता है, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं। तो भाई फिर क्या किया जाए, और ठीक है साइन को हम लिख सकते हैं कोसेक के टर्म्स में, यानी कि साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो क्या आपका आंसर आया, आपको तो लाना है कॉट ए, नहीं आया, ठीक है ओके। और कहां पे साइन है, यहां पे देखिए ये आइडेंटिटी है, साइन साइन थीटा यानी कि साइन ए है, तो अगर ये फॉर्मूला बन जाए तो फॉर्मूला किस तरह से बनेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। फिलहाल जहां पे थीटा लिया हुआ है वहां पे हमें ए अज्यूम करना है। ठीक है,
तो साइन स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर थीटा, उस साइड भेज दीजिए तो वो बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहां पे जो रिलेशन मिल रहा है वो साइन और कॉस के टर्म्स में है। तो एक काम करते हैं, देखिए हमें लाना है आंसर, मीन्स हमें कन्वर्ट करना है साइन ए को कॉट के टर्म्स में। अब हमें ये चीज मालूम है कि साइन ए किसका उल्टा है, कोसेक का उल्टा है। तो ठीक है, अगर हम साइन ए को कोसेक में बदल भी देते हैं तो कोसेक का क्या रिलेशन है कॉट में? आप देखिए कोसेक का रिलेशन, या देखिए कोसेक का रिलेशन कॉट में है, कोसेक का रिलेशन कॉट में है, यानी कि एक्चुअली में बात करेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा का कॉट स्क्वायर थीटा में रिलेशन है, तो हमारा काम हो जाता है। तो एक काम करूंगा मैं यहां पे, देखिए क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, दिस इज रूट साइन स्क्वायर ए, क्या मैं इसको लिखा जा सकता है, इसको साइन ए को लिखा जा सकता है अंडर रूट साइन स्क्वायर ए। इसका मतलब क्या होता है मैं बता देता हूं, ठीक है? इसका मतलब होता है, रूट का मतलब होता है हाफ, पावर उसकी हाफ है, और अंदर क्या लिखा हो मैंने साइन स्क्वायर ए, तो ये मैंने स्क्वायर इधर लगवा दिया, ठीक है? बीच में इंटू का साइन है तो टू टू कैंसिल किए जा सकते हैं, तो क्या बचता है साइन ए। तो ये प्रूव कर दिया, तो कहने का मतलब है साइन ए को हम अंडर रूट साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, समझ गया? रूट मतलब हाफ होता है और ये पावर मैंने यहां पे लगाई, टू टू कैंसिल हो गया तो साइन रेज टू वन था, साइन ए आ गया। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है? तो अब मैं क्या करूंगा सिंपली, अब आपको मालूम है साइन ए को मैं किसमें कन्वर्ट करने जा रहा हूं, साइन ए का उल्टा कौन होता है, कहां पे लिखा मैंने भाई साइन ए, हाँ साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा, तो मैं यहां पे लिख देता हूं सिंपली दिस कैन बी रिटन एज कोसेक स्क्वायर थीटा। मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया, सिंपली मैंने क्या लगाया यहां पे लगा देता हूं ब्रैकेट में कि मैंने यूज किया है साइन थीटा, हाँ फिलहाल ए है तो थोड़ी सी गलती हो जाती है, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, ठीक है? यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखूंगा कि मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, फिलहाल ये फॉर्मूले की लिस्ट है हमारी, ठीक है? ओके, तो दिस इज अंडर रूट, ओके। अब सिंपली मैं क्या करूंगा, कोसेक स्क्वायर थीटा का रिलेशन जरूर है हमारा 1/cot² थीटा, तो मैं सिंपली, आप देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है 1/cot² थीटा, तो मैं यहां पे कोसेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिखूंगा 1/cot² a, तो हो गया हमारा आंसर, यानी कि जो हमारा आंसर है कॉट के टर्म्स में आ गया है। तो हमने क्या आइडेंटिटी यूज की है, मैं यहां पे लिख देता हूं, सिंस क्या हमने क्या यूज किया, 1/cot² थीटा इक्वल टू cosec² थीटा। आई होप आपको चीज क्लियर हो गई होगी, ओके। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया है हमारा, ओके चलिए तो हमारा आंसर आ गया, लेट मी चेक, हाँ यही है, ठीक है? चलिए मैं इसको मिटा देता हूं, यानी कि हमें क्या एक्सप्रेस कर रहा हूं, यानी कि साइन ए को कॉट के रेस्पेक्ट में आंसर लेके आना था, साइन ए का कॉट के रेस्पेक्ट में आंसर लेके आना था। तो साइन ए से हमने स्टार्ट किया और हम लास्ट में एंड कर रहे हैं अंडर रूट 1/cot² a, यानी कि आंसर जो है पूरा कॉट के टर्म्स में आ गया। चलिए ये क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है? चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जिस तरह से आपको ये बताया गया, आई थिंक ये काफी यूजफुल होगा। अगर आप ऐसी एजुकेशनल वीडियो चाहते हैं तो प्लीज डोनेट में कमेंट कीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा टाइमिंगली वीडियो लेके आने की, और टाइमिंगली हर दिन वीडियो लेके आने की। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, कॉस ए। तो कॉस ए को किसके टर्म्स में प्रेजेंट करी, कॉटे, यानी कि जब इसका आपको उसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में कॉटे आना चाहिए। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि कॉस ए का रिलेशन किस किस में है? अगर हम वन बाय वन देखें, कॉस का रिलेशन सैक में है, नहीं भाई हमें किस में चाहिए, कॉट के टर्म्स में चाहिए, तो हम इसे यूज नहीं करेंगे। और कॉस, यहां पर कॉस है, कॉस हो या कॉस स्क्वायर थीटा कुछ फर्क नहीं पड़ता, कॉस का रिलेशन साइन के साथ है तो वहां पर भी नहीं चलेगा, ओके। हमें कॉस का रिलेशन किसके रेस्पेक्ट में बता रहे हैं, कॉट के रेस्पेक्ट में, तो डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है हमें कॉस सैक के रिलेशन में। तो एक काम किया जा सकता है, देखिए सबसे पहले हम इस कॉस को कन्वर्ट करेंगे इस रिलेशन का यूज करके, पहली आइडेंटिटी का यूज करके साइन के टर्म्स में, और साइन आपको मालूम है कोसेक का उल्टा है, और फाइनली कोसेक किसके साथ रिलेशन में आता है, कॉट के रिलेशन में आता है, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, देखिए मैं करके बताता हूं आपको। तो इसको भी वैसे लिखा जा सकता है, अंडर रूट लेके आइए, ठीक है? दिस इज कॉस ए कॉस स्क्वायर ए, बता देता हूं रूट मतलब क्या होता है, हाफ होता है, क्या होता है, हाफ होता है, यहां पर लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए। अब ये जो ब्रैकेट लगाया हुआ है, ब्रैकेट का मतलब है इनटू, ठीक है? तो सिंपली बच्चों ये टू टू कैंसिल कर दिया जाता है और ये हो जाता है कॉस ए। तो कहने का मतलब मैंने प्रूव कर दिया कि कैसे होता है, इसलिए हम कॉस ए को लिख सकते हैं, दिस इज अंडर रूट कॉस स्क्वायर ए, क्लियर हो गया, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या बोला था, ये जो कॉस स्क्वायर ए है इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, हम साइन स्क्वायर ए में कन्वर्ट कर देंगे, कौन सी आइडेंटिटी यूज करके, ये वाली आइडेंटिटी यूज करके। तो मैं क्या लिखूंगा, यहां पे लिख देता हूं कि हम कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, मैंने कॉस स्क्वायर ए को क्या लिखा है,
दिस इज देखिए आइडेंटिटी हम ये यूज करें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन. तो कॉस स्क्वायर ये चाहिए यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए मुझे, तो साइन स्क्वायर थीटा को उस साइड राइट हैंड साइड भेज दूंगा, तो दिस इज वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन चेंज हो जाएगा. तो ये वाली आइडेंटिटी, आइडेंटिटी तो ये वाली यूज किया मगर ये वाला टर्म यूज किया, तो इसकी जगह क्या लिखूंगा, वन माइनस साइन स्क्वायर ए. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. ओके इक्वल टू, अब साइन स्क्वायर ए को किसमें कन्वर्ट करूंगा, कोसेक ए में, कोसेक स्क्वायर ए में. हमारे पास रिलेशन है साइन थीटा इक्वल टू वन अपॉन कोसेक थीटा, यहां पे लिखूंगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिखूंगा, वन अपॉन कोसेक स्क्वायर ए. क्लियर हो गया, समझ रहे हैं. ओके अब इसमें क्या यूज किया मैंने, ये यूज किया है साइन थीटा कैन बी रिटन एज वन अपॉन कोसेक थीटा, ये यूज किया मैंने रिलेशन. अब मैं क्या करूंगा, सिंपली एलसीएम ले लूंगा. तो एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन है, तो वन और कोसेक स्क्वायर थीटा का एलसीएम क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर से ए, वन और कोसेक स्क्वायर ए का एलसीएम क्या होगा, दिस इज कोसेक स्क्वायर ए. ओके कोसेक स्क्वायर ए को वन से डिवाइड किया, कितना है कोसेक स्क्वायर ए, ऊपर वन है मल्टीप्लाई किया कोसेक स्क्वायर ए को वन से, तो दैट विल बी कोसेक स्क्वायर ए. ठीक है, बीच में माइनस का साइन लगाया, कोसेक स्क्वायर ए को कोसेक स्क्वायर ए से डिवाइड किया, वन आया, वन को ऊपर मल्टीप्लाई किया, वन इंटू वन इज वन. आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी होगी. ओके तो फाइनली अगर आप देखेंगे, मैं यहां पे लिखता हूं दिस इज, अब देखिए कोसेक स्क्वायर ए का रिलेशन कॉट के साथ है, हमारी थर्ड आइडेंटिटी. कोसेक स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. तो सिंपली इस कोसेक स्क्वायर ए को मैं किसके, ये थर्ड आइडेंटिटी का यूज करके लिख दूंगा वन प्लस कॉट स्क्वायर ए. क्लियर हो गया. ओके अब इसको तो मैंने लिख दिया वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, साथ में लिखा हुआ है माइनस वन, यहां पे लिख देता हूं. ठीक है ओके अब ये कोसेक स्क्वायर ए वापिस वही फॉर्मूला लगा रहा हूं, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. तो कोसेक स्क्वायर ए को रिप्लेस कर दूंगा किससे, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए से. तो प्लस वन माइनस वन कैंसल हो जाएगा. तो सिंपली अगर आप देखेंगे इट्स वेरी इजी टू डू, ये बहुत इजी था आई थिंक, आपको काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा. तो फाइनली हम कैसे लिख सकते हैं इसको, दिस इज कॉट स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, सिंपली लिखा जा सकता है. अब देखिए पूरी की पूरी टर्म कॉट के टर्म्स में आ गई, आई होप आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा. क्लियर हो गया, हमने इस टाइम पे कौन सा फॉर्मूला लगाया था, ये भी आइडेंटिटी भी लिख लेता हूं, हमने यूज किया था वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू दिस इज कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी यूज की हमने थर्ड वाली. ठीक है ओके तो चलिए हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया है, लेट मी सी हाउ मच इज द टाइम, 12 मिनट हो गए क्वेश्चन करते करते. चलिए अब हम आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे, मतलब इसके ही थर्ड पार्ट पे आते हैं. ठीक है तो दैट इज योर कॉट ए, क्या है ये, दिस इज कॉट ए, ये है थर्ड पार्ट, नहीं कॉट ए नहीं सॉरी, कॉट ए में तो हमें लाना है भाई, हमारा थर्ड पार्ट क्या है टैन ए. तो अगर हम थोड़ा सा गौर करेंगे टैन ए को कैसे कॉट ए में लेके आया जाए. ठीक है सो बच्चों ये काफी इजी है, अब आपको मालूम है टैन का उल्टा तो वैसे भी क्या होता है हमें, ओके टैन का उल्टा तो वैसे भी कॉट ए होता है, कहां पे हमारा भाई ये कहां पे लिखा है मैंने, हाँ लिखे टैन थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉट थीटा. तो सिंपली मैं क्या करूंगा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ऐसा ऐसे भी लिखा जा सकता है टैन ए इक्वल टू वॉट. देखिए सिंपली सबसे पहले मैं क्या करता हूं वो देख लीजिए, हमें टैन ए को किसके टर्म्स में कन्वर्ट करना है, कॉट ए के टर्म्स में. तो टैन ए को सिंपली मैं क्या लिखूंगा वन अपॉन कॉट ए, ऐसा भी चलेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. अब लिख देता हूं कौन सा फॉर्मूला यूज किया, ये वाला, दिस इज टैन थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉट थीटा लिखा जा सकता है. ठीक है तो हो गया भाई हमारा आंसर किसमें कन्वर्ट हो गया, यानी कॉट ए में कन्वर्ट हो गया. या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं जैसे मैं पहले दो क्वेश्चन में चल रहा था कि हम इसको अंडर रूट में ले लेंगे, ये बन जाएगा टैन स्क्वायर ए, समझ गए. ओके तो अब इसको ऐसे भी किया जा सकता है या फिर इसको डायरेक्टली ऐसा भी किया जा सकता है, इसको अंडर रूट ले लीजिए. अब आपको बता ही चुका हूं कि टैन स्क्वायर ए और रूट का मतलब क्या होता है, हाफ होता है, तो टू टू कैंसिल हो गया, तो आ गया ना भाई टैन ए, तो हम लिख सकते हैं ना भाई. ओके और सिंपली टैन का उल्टा क्या होता है वन अपॉन कॉट, तो इसको लिखा जा सकता है टैन स्क्वायर ए है तो इसलिए इसे लिखा जा सकता है वन अपॉन कॉट स्क्वायर ए. तो दोनों भी सही है, आपको जो पसंद हो आप कर सकते हैं. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. अगर आप ऐसी एजुकेशन वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज डू राइट अ कमेंट, मैं पूरी कोशिश करूंगा टाइमली वीडियोस लेके आने की. आप ये भी देख सकते हैं साथ में मेरी, यानी कि हमारा जो
नाइन्थ चैप्टर था एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वो पूरा सॉल्व किया हुआ मेरे मतलब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएगा, आपको पूरे के पूरे न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, थैंक यू।